स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आज इंग्लिश का जो हमारा सेशन होने वाला है उसमें बेसिकली हम बात करेंगे वर्ड मीनिंग की, ठीक है। जो जब मैंने इंग्लिश की सिलेबस डिस्कशन वाली क्लास ली थी, ठीक है, उसमें हमने देखा था ग्रामर, ग्रामर रिलेटेड कौन कौन से पोर्शन होते हैं, वो कैब में क्या क्या चीज़ें आती हैं, और कॉम्प्रहेंशन में। तो कॉम्प्रहेंशन वो चीज़ है, कॉम्प्रहेंशन जैसे कि क्लोज टेस्ट होता है या पैराग्राफ राइटिंग होता है, ठीक है। मतलब पैराग्राफ दिया होगा, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा, 5 क्वेश्चन पूछता है जनरली, और आपको उसका आंसर देना होता है, ठीक है। तो कॉम्प्रहेंशन एक ऐसा पार्ट है जो आपको खुद से भी ट्राई करना है, ठीक है। आप PYQ देखिए, न्यूज़पेपर पढ़िए, या बेसिक मेन कोई भी बुक हो जो आपके, जो भी आपके पास बुक हो उससे आप प्रैक्टिस करिए। तो कॉम्प्रहेंशन ऐसा है जो आप साथ साथ में खुद से तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। ग्रामर और वोकैब मैं कराऊंगी, ठीक है। तो ग्रामर में भी हम बेसिक से स्टार्ट करके आगे तक बढ़ेंगे। आज की जो क्लास होगी वो वोकैब है, ठीक है। हम कुछ वर्ड देखेंगे, उसका मीनिंग समझेंगे, उसे याद करेंगे। अब दो तरीके से हम वर्ड मीनिंग याद कर सकते हैं। एक होता है जनरली, चाहे आप रट के करिए, चाहे आप एकदम आपकी मेमोरी इतनी शार्प है कि आप तुरंत उसे पकड़ लें, या तो फिर रटना, ठीक है, ये होता है। या तो फिर एक रूट वर्ड मेथड होता है। रूट वर्ड मतलब जो एक फिक्स, कोई भी प्रीफिक्स आप जिसे बोल लीजिए, ठीक है, कोई एक मेन वर्ड के सामने या बाद में लगाया जाने वाला वर्ड प्रीफिक्स या सफिक्स होगा, जो कि आप सामने, वर्ड के सामने या पीछे लगा सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, रूट वर्ड से क्या होता है, हमें एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि वो वर्ड कहना क्या चाह रहा है, वो वर्ड किससे रिलेटेड होगा, ठीक। तो रूट वर्ड वो होता है, फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है PHIL, ठीक है, इसका मीनिंग जो होता है, ठीक है, उसी से रिलेटेड ये सारे वर्ड्स रहते हैं, ठीक है, ये सारे वर्ड्स उसी से रिलेटेड ही रहेंगे। तो एक तो वो मेथड होता है रूट वर्ड वाला, तो मैं बीच बीच में रूट वर्ड जो रिलेटेड है वो भी कराऊंगी, प्लस ऐसे भी वर्ड्स जो बिना रूट वर्ड के थोड़े याद रखने लायक हों वो भी। तो हमारी क्लासेस ग्रामर की भी चलेंगी, साथ साथ में बीच में वो कैब भी हम देखेंगे, ताकि दोनों चीज़ें साथ में कवर होती जाए, ठीक है। चलिए, तो बिना देरी के हम सेशन की शुरुआत करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं अगर चाहूँ, मैंने कई वीडियोस देखे थे अपने टाइम पे, जब मैं देखती थी तब मुझे लगता था कि हाँ, यहाँ पे कोई टीचर पढ़ा रहा है और जस्ट सामने में वर्ड लिखा रहता था, तो मैं क्या करती थी, स्क्रीनशॉट रख लेती थी, बाद में इसे देखेंगे करके, ठीक है। लेकिन वो फिर सक्सेसफुल होता नहीं था, वो कहीं गैलरी में सेव हो जाता है, हमारी नज़र उस पर दोबारा पड़ती भी नहीं है। तो मैं वैसा कुछ नहीं करूँगी कि मैं इसके सामने आपको सीधा मीनिंग लिख दूँ, ताकि आप भी स्क्रीनशॉट रख लीजिए और फिर वो वैसी की वैसी रह जाए। हम तुरंत तुरंत उसे पढ़ेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे, ताकि अभी का जो सेशन है, अभी इतने वर्ड्स कम से कम आपको याद हो जाएं, ठीक है। SSC में पूछता है, अगर आप UPPCS की तैयारी करते हैं, अगर आप स्टेट, कोई भी स्टेट PCS हो गया, ठीक है, चाहे छत्तीसगढ़ हो गया। देरी की हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। पहला मैंने क्या लिखा है, विगर, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको इसी सेशन में याद होता जाए वर्ड, ठीक है। तो चलिए, पहला मैंने क्या लिखा है, विगर। विगर यानी कि क्या होता है, स्ट्रेंथ और एनर्जी, ठीक है। कैसे याद रख सकते हैं आप इसे, देखिए विगर किस वर्ड से बना है, विग यानी कि वेग से आप याद रखिए। वेग मतलब कि हिंदी वर्ड जो होता है वेग, यानी कि गति, तेजी, ठीक है। तो वेग से याद कर सकते हो कि तेजी, गति, मतलब उसमें पोटेंशियल है किसी व्यक्ति में या कोई भी चीज़ जिसमें कि पोटेंशियल है, एनर्जी है। पोटेंशियल से आप क्या निकाल सकते हो, एनर्जी है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ और एनर्जी, विगर मतलब होता है स्ट्रेंथ और एनर्जी। यहाँ ध्यान रखने वाली ये बात है कि ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं करता, विगर सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं करता, मेंटली भी, ठीक है, मेंटली भी अगर हम स्ट्रांग हैं उसके लिए भी हम ये वर्ड यूज़ करते हैं, विगर, ठीक है। तो विगर यानी कि क्या होता है, चलिए, विगर मतलब होता है स्ट्रेंथ और एनर्जी, ठीक है। विगर यानी स्ट्रेंथ, एनर्जी, स्ट्रेंथ, एनर्जी, ठीक। जिसे मैं हिंदी में क्या लिख सकती हूँ, शक्ति, ऊर्जा, ठीक है, शक्ति या ऊर्जा। शक्ति या ऊर्जा, ठीक है। तो ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं है, मीनिंग तो यही है, बट जहाँ पे हम मेंटल उसकी बात करते हैं कि वो मेंटली भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, उस वर्ड में भी हम क्या लगा सकते हैं, वहाँ पे भी हम विगर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो विगर का मतलब क्या हुआ, शक्ति, ऊर्जा, ठीक है, बल, उत्साह, ठीक है, उत्साह होना, एनर्जेटिक हो जाना, फोर्स, ठीक है, ये सारा चीज़ किसका सिनोनिम है, विगर के लिए, ठीक है। याद रहेगा, कैसे याद करना है, वेग, वेग, ठीक है, विग यानी कि वेग, वेग मतलब गति, तेज गति, ठीक है, उससे आप याद कर लीजिएगा, बहुत उत्साह है उसमें, ठीक है, बहुत पोटेंशियल है। एंटोनिम सोच सकते हैं क्या, एंटोनिम मतलब क्या हो गया, विपरीत शब्द, ठीक है। तो विगर का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, जहाँ पे आप एकदम क्या हो, आइडल बैठे हो, ठीक है,
बहुत ही हल्के, बहुत ही बोलते ना उत्साह नहीं है बिल्कुल, उस कंडीशन में हो, ठीक है, तो वो हो जाएगा विगर का अपोजिट, यानी कि उसमें आपका क्या आ जाएगा, इनएक्टिव होना, ठीक है। तो इनएक्टिविटी, इम्पोटेंस, इस टाइप के जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, विगर का एंटोनिम वर्ड हो जाएगा, ठीक है। इनएक्टिव हो बिल्कुल, अगर ऐसा वर्ड है तो वो क्या हो जाएगा, विगर का ऑपोजिट हो जाएगा। तो एंटोनिम में हम क्या देख लेंगे, इनएक्टिविटी, डलनेस है, ये सारी चीज़ें, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, आगे लिखा है वेंडल। वेंडल मतलब क्या होता है, देखिए वेंडल यानी कि वन हु डिस्ट्रॉय द वर्क ऑफ आर्ट, ठीक है। वन ऐसा व्यक्ति जो क्या करे, डिस्ट्रॉय कर दे वर्क ऑफ आर्ट, जैसे कि कोई भी स्कल्पचर हो गया, कोई भी बिल्डिंग हो गई पुराने, ठीक है, तो वो सारी जो आर्ट रिलेटेड कोई भी चीज़ है उसको वो डिस्ट्रॉय करता है, वो हो जाता है वेंडल, ठीक है। देखिए वन हु डिस्ट्रॉय वर्क ऑफ आर्ट, वेंडल मीन्स वन हु डिस्ट्रॉय वर्क ऑफ आर्ट। अच्छा, ये सारे वर्ड्स ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, चाहे वो SSC हो, चाहे आपका स्टेट का PSC हो, या वन डे एग्ज़ाम हो, ये सारे ऐसे वर्ड हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इस पर। चलिए वेंडल मैंने क्या बताया, वन हु डिस्ट्रॉय द वर्क ऑफ आर्ट, इसे कैसे याद रखेंगे आप, बहुत ईजी है। देखिए वेंडल, अगर मैं इसको ऐसा रिवर्स कर दूं, वेंडल हमने सुना है ना, वेल डन, कुछ अच्छा हम करते हैं तो हम सामने वाले को क्या बोलते हैं, वेल डन, ठीक है, तुमने अच्छा काम किया, वेल डन, तो ये जस्ट अपोजिट हो गया वेल डन का वेंडल, ठीक है, तो ये जस्ट अपोजिट हो गया, क्यों, क्योंकि गलत काम किया, ठीक है। ऐसा इंसान जिसने कोई आर्ट है, कोई भी पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंग है, कोई भी आर्ट रिलेटेड कुछ चीज़ है, उसको वो डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़राब कर दिया, ठीक है, तो ये बुरा काम हो गया, तो वेल डन का अपोजिट क्या हो गया, वेंडल, इससे आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो हमने दो वर्ड देखा, एक तो विगर यानी कि ताकत, ऊर्जा, उत्साह, ठीक, दूसरा वर्ड हमने क्या देखा, वेंडल, जो कि आर्ट, कोई भी आर्ट रिलेटेड काम है उसे वो डिस्ट्रॉय कर दे जो इंसान, ठीक है, वेंडल उसे कहेंगे, ठीक है। तो इसे भी याद कैसे हमने कर लिया, वेल डन का अपोजिट वेंडल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, क्या है, डिसकॉन्सर्ट, ओके, डिसकॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट आपने सुना होगा, ठीक है, कोई भी म्यूजिशियन है, कोई भी आर्टिस्ट है, जब वो आता है स्टेज पर, ठीक है, उसका कॉन्सर्ट है, हम बोलते हैं ना इस सिंगर का कॉन्सर्ट है। कॉन्सर्ट से हम क्या समझते हैं, कितनी कॉन्फिडेंस के साथ वो परफॉर्म करता है, जितनी कॉन्फिडेंस के साथ वो अपना कॉन्सर्ट परफॉर्म करता है उतना हमें मज़ा आता है ना, तो जो कॉन्फिडेंस लगता है, एक कॉन्फिडेंस चाहिए, ठीक है, कॉन्सर्ट को परफॉर्म करने के लिए, कॉन्सर्ट है मतलब उसके अंदर कॉन्फिडेंस है। अब क्या लिखा है, डिसकॉन्सर्ट यानी कि कॉन्फिडेंस की कमी होना, कॉन्फिडेंस नहीं हो मतलब क्या हो, आप डिसकम्फर्ट हो, ठीक है, डिसकम्फर्ट हो, व्याकुल हो, तो इसका अर्थ होता है, डिसकॉन्सर्ट का अर्थ होता है एक्चुअली में व्याकुल होना। कैसे याद रहेगा, कॉन्सर्ट से आपने याद किया, कॉन्सर्ट में क्या रहते हैं, लोग कॉन्फिडेंस रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं, ठीक है, और डिसकॉन्सर्ट हो जाएगा मतलब अपोजिट, जनरली DI या DIS लगने से वो नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, ठीक है, मतलब जस्ट उल्टा उसका कर देता है, जनरली ये होता है। तो डिसकॉन्सर्ट क्या हो जाएगा, जहाँ आप व्याकुल हो, ठीक है, जहाँ पे आप डिसकम्फर्ट हो, आप कम्फर्टेबल नहीं हो, वो चीज़ क्या हो जाएगी, डिसकॉन्सर्ट। तो डिसकॉन्सर्ट का मीनिंग क्या होगा प्रॉपर, टू एम्बेरस, हम लिख सकते हैं टू एम्बेरस, ठीक है, एम्बेरस फील होना, डिसकम्फर्ट हम बोल सकते हैं, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, एग्जाम में आ सकता है कि इनमें से कौन सा वर्ड इसका सिनोनिम है, ठीक है। उसके अलावा डिसमे, डिस्ट्रेस, ये सारा इसका क्या है, सिनोनिम, डिसमे, डिसमे मतलब भी यही होता है डिस्ट्रेस, ठीक है, डिस्ट्रेस यानी कि आप स्ट्रेस में हो, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। तो ये सारा चीज़ क्या है, सिनोनिम है डिसकॉन्सर्ट का, याद हुआ। चलिए चौथा हम देखेंगे, डिलापिडेटेड, ठीक है, डिलापिडेटेड यानी कि ब्रोकन डाउन, कोई भी सामान है, कोई भी एक चीज़ है जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है, जैसे हम बोलते हैं ना बुरी तरीके से ध्वस्त हो जाना, गिर जाना, तो उसका मीनिंग होता है डिलापिडेटेड, ओके। कैसे याद रहेगा, देखिए डेटेड आप याद कर सकते हो, डिलापिडेटेड, डेटेड मतलब पुराना, जनरली हम डेटेड मतलब किस चीज़ को बोलेंगे, बैक, ठीक है, पहले के टाइम का, तो डेटेड मतलब पुराना, ठीक है, तो कोई चीज़ पुरानी थी, जंजर हो गई थी, गिर गई पूरी तरीके से, ठीक है, तो इससे आप याद कर सकते हो डिलापिडेटेड यानी कि ब्रोकन डाउन, डैमेज्ड हो जाना, ठीक है, डैमेज्ड, ठीक, ये होता है डिलापिडेटेड, ठीक है। इसका
टूटा फूटा, मेन ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जनरली कोई भी इमारत हो गई, कोई भी नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ करते हैं इसे, ठीक है। तो कोई भी तरीके, कोई भी जो जीर्ण शीर्ण, हिंदी में से बोलते हैं जीर्ण शीर्ण अवस्था में, मतलब बुरी तरीके से जो खराब हो चुकी है, ठीक है, तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, डिलापिडेटेड, ठीक। चलिए चौथा है, अभी देखिए आप ध्यान दीजिए, ये डी आई एस वाले ही चल रहे हैं तो कुछ ना कुछ नेगेटिव ही निकलेगा, जैसे कि इसमें डिसकॉन्सर्ट था, ठीक है, इसका मतलब कि कॉन्फिडेंस की कमी होना, एम्बेरस फील करना, डिसकंफर्ट होना, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें। डिलापिडेटेड अगेन ब्रोकन डाउन, डैमेज, ठीक है। अब हम आते हैं डिसडेन में, डिसडेन मतलब क्या होता है, फीलिंग दैट समथिंग इज नॉट गुड एनफ टू बी रिस्पेक्टेड, ठीक है। डिसडेन मतलब कि फीलिंग, ठीक है, फीलिंग दैट something is not good enough to be respected, ठीक है, जिसकी respect कराए, या to be worthy, ठीक है, कोई इतना worthy नहीं है कि उसकी respect की जाए, ऐसी feeling आना कि बोलते हैं ना सामने वाला कोई relative, generally हम किसको बोलते हैं relative के लिए ऐसा सोचते हैं ना कि वो रेस्पेक्ट देने के लायक नहीं है, ऐसा हम जनरली सोचते हैं, बोलते हैं, जो कि सच है। तो देखिए डिसडेन यानी कि फीलिंग दैट समथिंग इज नॉट गुड एनफ टू बी रेस्पेक्टेड फॉर, डिसडेन कर देना, ठीक है, बेइज्जती कर देना, आप समझिए, चीज़ कोई भी चीज़ क्या है, रेस्पेक्ट देने लायक नहीं है, उतनी वर्दी नहीं है कि उसे उस स्तर का रेस्पेक्ट मिले, ये हो जाता है डिसडेन, ठीक है। नाउ अब हम क्या देखेंगे, डिडैक्टिक, डिडैक्टिक मतलब कि डिडैक्टिक एक्चुअली देखिए जैसे कि हम लोग बीएड में पढ़ते हैं कि दो तरीके से पढ़ाई होती है, जो टीचिंग है, ठीक है, टीचिंग दो तरीके से की जा सकती है, एक तो टीचर सेंटर रहे, टीचर सेंटर, दूसरा चाइल्ड सेंटर्ड, ठीक है। एक होता है टीचर सेंटर, मतलब टीचर आपके सेंटर में है, टीचर मेन है, ठीक है, वो जो बोल रही है उसे बच्चे को सुनना है। चाइल्ड सेंटर में क्या हो जाता है, चाइल्ड मेन होता है, चाइल्ड को छोड़ दिया जाता है कि वो अपने तरीके से सीखे, ठीक है, एक्सपीरियंस करे, खेलने के साथ साथ सीखे, तो वो चीज़ क्या होता है, वहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो जाता है, और टीचर सेंटर्ड एजुकेशन जहाँ टीचिंग का ही होता है, ठीक, मेन। तो डिडैक्टिक मतलब क्या होता है, डिज़ाइंड और इंटेंटेड टू टीच, ठीक है, बेसिकली मतलब कि टीच, समझाने, बताने के लायक हो, ना कि आप एक्सपीरियंस के थ्रू जानो, वो मेन बताने के ही लायक हो, ठीक है, तो ऐसा डिज़ाइन किया जाए, डिज़ाइंड और इंटेंडेड, ठीक, डिज़ाइंड या इंटेंडेड, इंटेंड, डिज़ाइन और इंटेंट टू टीच, ठीक है, डिज़ाइंड और इंटेंट टू टीच, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि टीचर सेंटर्ड रहता है, ठीक है, इसमें क्या है, लोगों को बताया जाता है, ठीक, एक्सपीरियंस करने के बजाय, एक्सपेरिमेंट करने के बजाय यहाँ पे टेलिंग का काम किया जाता है, बताने का काम किया जाता है, तो उसे बोलते हैं डिडैक्टिक, ठीक है। कैसे याद रख सकते हैं, एक्टिव, एक्टिव से, एक्टिव से मतलब कि आप किसी को कुछ बोल रहे हो, बता रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, ठीक, तो डिडैक्टिक, या आप ऐसे याद कर सकते हो कि एक्टिव का ऑपोजिट, ठीक है, एक्टिव का ऑपोजिट, जैसे मैंने बताया डी आई क्यों यूज़ होता है जनरली निगेटिव करने के लिए, तो एक्टिव मतलब आप एक्टिव हो, ठीक है, एक्टिव से आप याद कर सकते हो कि आप एक्टिव हो, आप अपना काम खुद से कर ले रहे हो, तो डिडैक्टिक क्या हो जाएगा, आपको बोला जा रहा है, आप सिर्फ सुन रहे हो, ठीक है, जो टीच किया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है और आप सुन रहे हो सीधा उसे, ठीक है, तो ऐसा डिज़ाइन किया जाए कि सिर्फ टीचिंग के वो काम आए, आप खुद से उसमें नहीं कर सकते हो, तो ये होता है डिडैक्टिक, ठीक है। ये मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ याद करने का, मेन जो उसका मीनिंग है वो मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है। इसमें लोगों को इसका मतलब होता है टेलिंग पीपल रेदर लेटिंग देम डू इट देयर सेल्फ, ठीक है, कि वो खुद से काम करे, ये ना करके क्या किया जाता है, टेलिंग पीपल, उन्हें बताया जाता है, ठीक, तो ये हो जाएगा डिडैक्टिक। अब क्या है, रिसीड, ठीक है, नेक्स्ट इज रिसीड, रिसीड मतलब कि क्या हो गया, टू मूव अवे और बैकवर्ड, ठीक है, टू मूव अवे और बैकवर्ड, यानी कि रिसीड, रिसीड मतलब क्या होता है कि दूर चला जाना, और धीरे धीरे ओझिल हो जाते हैं जो, ठीक है, दूर चले जाते हैं, धीरे धीरे ओझिल होने लगते हैं, यानी कि अनक्लियर, ठीक है, क्लियरली विजिबल नहीं होते, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, रिसीड हो जाएगी। कैसे याद रहेगा, बहुत सिंपल है, प्रोसीड आपने सुना होगा ना, प्रोसीड करना, प्रोसीड मतलब आगे बढ़ते जाना, ठीक है, कंटिन्यू करना किसी चीज़ को, तो रिसीड क्या हो जाएगा, पीछे जाना, ठीक है, लिखा है ना, टू मूव अवे और बैकवर्ड, ठीक है, पीछे जाना,
ठीक है, टू मूव, वहाँ से हट जाना, पीछे जाना, या धीरे धीरे ओझिल हो जाना, अनक्लियर, सॉरी विजिबल नहीं होना, ठीक है, क्लियर कम हो जाना, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, रीसीड होती है। कैसे याद रखोगे, अगेन मैंने बताया प्रोसीड का ऑपोजिट हो जाएगा रीसीड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम एक्सटेसी, ठीक है, एक्सटेसी, ये वर्ड बहुत यूज़फुल है, ये वर्ड बहुत सारे एग्जाम्स में एक्चुअली आ चुका है। इसमें क्या होता है, ये एक फीलिंग है या स्टेट है, अवस्था है, ठीक है, फीलिंग और स्टेट, ठीक है, ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, फीलिंग और स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, जो हम बोलते हैं ना हर्षोल्लास, बहुत ज़्यादा खुशी, ठीक है, परमानंद जो हम बोलते हैं, ठीक है, परम आनंद, तो वो हो जाता है एक्सटेसी, ठीक है, फीलिंग और स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास जिसे हम बोलते हैं, वो होता है एक्सटेसी, ठीक है। नाउ एब्रोगेट, एब्रोगेट क्या होता है, एब्रोगेट यानी कि किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, ठीक है, रिजेक्ट कर देना, ठीक, तो एब्रोगेट यानी कि आप इसे कैसे याद रख सकते हो, इंट्रोगेट, इंट्रोगेट कर रहे हो आप किसी आदमी को क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, उसे डरा दे रहे हो, वापस जाने बोल रहे हो, तो वैसे एब्रोगेट, गेट लगा देना, ठीक है, ठीक है, इंटरप्ट कर देना, फिर गेट बंद कर देना उसके लिए, ठीक है, यानी कि उसे कैंसिल कर देना, रिजेक्ट कर देना, इसका सिनोनिम होता है रिपील, रिपील भी कहते हैं हम एब्रोगेट को, ठीक है, तो एब्रोगेट क्या हो गया, रिपील, कैंसल, किसी चीज़ को कैंसिल कर देना, रिपील, ये रिपील है, ठीक है, रिपीट नहीं, रिपील। चलिए तो एब्रोगेट याद आ गया, इंट्रोगेट प्लस गेट से याद रख सकते हो, इंट्रोगेट मतलब आप उसे क्वेश्चन कर रहे हो, फिर उसके लिए गेट बंद कर दे रहे हो, ठीक है, यानी कि उसे रिपील, कैंसिल कर दे रहे हो, ये सारा चीज़ क्या है, एब्रोगेट। एक्सटेसी क्या है, फीलिंग और स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा खुशी, ठीक है। रीसीड क्या हो जाएगा, प्रोसीड का ऑपोजिट, प्रोसीड का ऑपोजिट समझ सकते हैं, टू मूव अवे और बैकवर्ड, पीछे हटना। डिडक्टिव, एक्टिव नहीं होना, यानी कि लोगों को सिर्फ बताया जाए, टेलिंग पीपल रेदर देन लेटिंग देम डू इट, खुद से उनको करने के बजाय उन्हें सिखाया जाए, बोला जाए, ठीक है। डिसडेन क्या हो जाएगा, फीलिंग दैट समथिंग इज नॉट गुड एनफ टू बी रेस्पेक्टेड, ठीक है, रेस्पेक्ट देने लायक आपको लगे कि ये चीज़ नहीं है, ठीक है, तो वो हो जाएगा डिसडेन। डिलैपिडेटेड, ब्रोकन डाउन और डैमेज, ठीक है, डिलापिडेटेड, डेटेड से याद रख सकते हो, डेट पुरानी हो गई है, पुरानी हो गई मतलब जर्जर हो गई है कोई चीज़, तो वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गई है, ठीक है, बुरी तरीके से ध्वस्त हो गई, अब समझिए, तो ब्रोकन डाउन या डैमेज। डिसकॉन्सर्ट क्या हो जाएगा, कॉन्सर्ट मैंने बताया कॉन्फिडेंस की कमी, कॉन्फिडेंस होना कॉन्सर्ट में है, ठीक है, तो डिसकॉन्सर्ट क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस की कमी, यानी कि एम्बेरस फील कर रहे हो आप, डिसकम्फर्ट फील कर रहे हो, ठीक है, कम्फर्टेबल नहीं हो, व्याकुल हो गए हो, ये सारा चीज़ क्या है, डिसकॉन्सर्ट। वेंडल जो कि वेल डन का अपोजिट, वेन डल जो कि क्या करे, वन हु डिस्ट्रॉय वर्क ऑफ आर्ट, ठीक है। फिर है विगर यानी कि स्ट्रेंथ, एनर्जी, वेग, जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है अभी वर्ड मीनिंग इधर का। अब हम क्या देखेंगे, रूट वर्ड्स के थ्रू याद करेंगे, ठीक है, रूट वर्ड्स के थ्रू, तो थोड़ी देर आप इसे देखिए और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ए एम बी आई, पहला रूट वर्ड क्या है, एम बी, क्या लिखा है मैंने, इसका मतलब बोथ एर अनाउन, ठीक है, यानी कि जो भी वर्ड्स है उसके सामने अगर एम बी लगा हुआ है तो उसका हम अप्रॉक्स मीनिंग क्या निकाल सकते हैं, कि बोथ एंड अराउंड इसी से रिलेटेड कुछ होगा, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं, सबसे पहले एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे हम बोलते हैं एम्बियंस, हम कहीं जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में हम गए, ठीक है, या कहीं भी शादी पार्टी में जाते हैं, कोई भी एक एटमॉस्फेयर, कहीं हम बाहर गए थे और जाते हैं और वो हमें अच्छा लगता है वहाँ का एटमॉस्फेयर, तो हम क्या बोलते हैं, जैसे हमने हिंदी में बोला यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, यहाँ का एम्बियंस कितना अच्छा है ना, मतलब आसपास का जो भी वातावरण है वो अच्छा है, तो एम्बियंस मतलब क्या हो गया, अराउंड, ठीक है, इसीलिए लिखा है कि एम्बी का मतलब क्या होता है, बेसिकली बोथ एंड अराउंड, इसी टाइप का, बोथ या अराउंड, ठीक है, तो इसी से रिलेटेड होगा, तो रूट वर्ड से याद करना इसी को कहते हैं, कि आप बेसिकली कोई एक वर्ड पे फोकस करिए और उसी से रिलेटेड ना वर्ड्स बनेंगे। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या लिखा है, एम्बिकस, अच्छा उसके पहले मैं आपको ये बता देती हूँ एम्बियंट, क्योंकि ये सीधे सीधे तौर पर इसका मीनिंग यही है, देखिए एम बी मैंने लिख दिया है बोथ या अराउंड, ठीक है, एम बी मतलब हो गया अराउंड, समझिए, ठीक है, बोथ या अराउंड, नॉट एंड, बोथ एंड नॉट बोथ और अराउंड, ओके। चलिए तो एम बी मैंने क्या बताया, बोथ या अराउंड, अब यहाँ से अगर मैं ये वर्ड निकालूँ कि एम्बियंट, एम बी तो है ही, ठीक है, यहाँ से अगर मैं बोल दूँ ई एन टी बस है, यानी कि एम बी अराउंड, ई एंट बस इतना लगा है, तो एम्बियंट क्या हो जाएगा, अराउंड, मूविंग अराउंड, ठीक है, एम्बियंट क्या हो जाएगा, मूविंग अराउंड, इसी से क्या बनता है, एम्बियंस वर्ड, ठीक है, यहाँ का एम्बियंस अच्छा है, मतलब आसपास का जो वातावरण है वो अच्छा है, तो एम्बियंट क्या हो गया, मूविंग अराउंड, तो सिंपल डायरेक्ट डायरेक्ट एम्बी मतलब अराउंड, तो एम्बियंट हो जाएगा मूविंग अराउंड, ठीक है,
पहले ये वर्ड आ गया, अब देखते हैं हम एम्बिगस। एम्बिगस किसे कहते हैं? हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, ठीक है, एक से ज़्यादा समानार्थी जिसे हम बोलते हैं। तो बेसिकली इसका कहने का ये अर्थ है एम्बिगस का कि एक से ज़्यादा मीनिंग पॉसिबल है, ठीक है, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग मोर देन वन मीनिंग, ठीक है, कोई भी एक चीज़ है, ठीक है, उसका अगर पर्पस एक से ज़्यादा मीनिंग निकल रहा है तो वो क्या हो जाएगा? एम्बिगस, ठीक है, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, ठीक, हैविंग मोर देन वन, यहाँ पे आया ना बोथ या अराउंड, ठीक है, बोथ मतलब दो या अराउंड, तो हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, वन एक से ज़्यादा पॉसिबल मीनिंग होना, ये होता है एम्बिगस। एक से ज़्यादा आया, बोथ आया या अराउंड आया, ठीक है, इसीलिए एम्बिशियस, आपने वर्ड सुना होगा ना, एम्बिशियस पर्सन है, यानी कि उसको ये भी चाहिए, सक्सेस भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, पावर भी चाहिए, तो उसी को बोलते हैं ना एम्बिशियस होना, ठीक है। तो एम्बिशियस वर्ड भी क्या हो गया, ये भी वो भी, मतलब सब चीज़ें, ठीक है, अराउंड, ऐसे याद कर सकते हो आप, इसी से बना है एम्बिशियस। तो एम्बी मतलब बोथ या तो फिर अराउंड, आसपास का, ठीक है, पूरा। तो एम्बिगस मैंने क्या बोला, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, ठीक है, एक से ज़्यादा पॉसिबल मीनिंग हो सकते हैं। एम्बियन डायरेक्ट डायरेक्ट आ गया, मूविंग अराउंड, ठीक है। एम्बिडेक्स्ट्रस, एम्बिडेक्स्ट्रस बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, थ्री इडियट्स मूवी देखी होगी आप सबने, ठीक है, उसमें जो बोमन ईरानी रहता है, जो प्रिंसिपल रहता है उनके कॉलेज का, वो दोनों हाथों से लिख सकते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा वो सीन जो बोर्ड में वो दोनों हाथों से लिखते रहते हैं, ठीक है। तो एम्बिडेक्स्ट्रस पर्सन उसी को कहते हैं जो कि दोनों हाथों का स्किलफुली यूज़ कर सके, ठीक है, इक्वली, वो राइट हैंड से लिखने में भी, राइट हैंड से को भी यूज़ करने में, प्लस लेफ्ट हैंड भी हो, ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड भी उसी तरह से यूज़ कर सके। तो एम्बिडेक्स्ट्रस पर्सन कौन होगा? एम्बिडेक्स्ट्रस मतलब कि दोनों हाथों का इक्वली यूज़ करने में की क्षमता हो, ठीक है, स्किलफुली, ये नहीं कि इधर से ऐसे कुछ भी लिख, इधर से गोद गाद दी, ऐसे नहीं, बेकार नहीं, अच्छे वे में, आप दोनों हाथों से का यूज करने में स्किलफुल हैं, ठीक है। तो एम्बिडेक्स्ट्रस क्या हो जाएगा? इक्वली स्किलफुल विथ बोथ हैंड्स, ठीक है, इक्वली बराबर, है ना, इक्वली स्किलफुल इन यूजिंग बोथ, जैसा कि मैंने बताया, बोथ, देखिए, बोथ और अराउंड दोनों मीनिंग है एम्बी के, ठीक है। तो एम्बिडेक्स्ट्रस क्या हो गया? इक्वली स्किलफुल विथ इन यूजिंग बोथ हैंड, ठीक है। अब देखिए, एम्बियंट तो हमने देख ही लिया है, अब एम्बीवेलेंट, एम्बीवेलेंट का अर्थ क्या है? एम्बी बोथ या अराउंड, इनमें से कोई एक होगा। अब एम्बीवेलेंट मतलब, जैसे कि देखिए एम्बिगस में क्या लिखा था, हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, एक से ज्यादा मीनिंग पॉसिबल है। एम्बीवेलेंट क्या हो जाएगा? जब दो अपोजिट फीलिंग, ठीक है, दो अपोजिंग फीलिंग एक साथ आए, यानी जैसे हम पढ़ाई के लिए जब घर छोड़ के जाते हैं, ठीक है, दूसरे सिटी में जाते हैं, बड़े सिटी में जाते हैं, तो मिक्स्ड फीलिंग होती है, एक तरफ दुख भी होता है घर छोड़ के जाने का, और एक तरफ एक थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी होता है कि हाँ हमें पढ़ना है, बाहर का एटमॉस्फियर देखना है, ठीक है, मेहनत करना है, वहाँ जाके थोड़ा घर से निकलना है, ठीक है, तो दूसरा माहौल मिलेगा। तो एक तरफ आपको ये फीलिंग भी आती है, दूसरी तरफ आपको घर छोड़ने का दुख होता है, पेरेंट्स को छोड़ने का होता है, तो क्या दोनों अपोजिंग फीलिंग हो गई, ठीक है, दोनों अपोजिट फीलिंग हो गई। तो ऐसा सिचुएशन, ठीक है, एम्बीवेलेंट क्या हो जाएगा? ऐसा सिचुएशन जब आपको दोनों एक अपोजिंग फीलिंग दोनों एक साथ एट द सेम टाइम, ठीक है, एक साथ हो रही हो, तो वो क्या हो जाता है? एम्बीवेलेंट, ठीक है, यानी कि हैविंग टू अपोजिंग फीलिंग एट द सेम टाइम। एम्बीवेलेंट क्या हो जाएगा? हैविंग ऑपोजिंग फीलिंग एट द सेम टाइम, एक ही समय पर दो अलग अलग फीलिंग होना, हैविंग ऑपोजिंग फीलिंग एट द सेम टाइम, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल बताया, ठीक। चलिए, अब एम्बीवर्ट क्या होगा? एम्बीवर्ट भी बहुत ईजी है, देखिए एम्बी मतलब बोथ ही अराउंड, वर्ट याद करिए, इंट्रोवर्ट सुना होगा, एक्स्ट्रोवर्ट सुना होगा, इंट्रोवर्ट जो बहुत कम बोलते हैं, एक्स्ट्रोवर्ट जो बहुत जल्दी लोगों के साथ फ्रैंक हो जाते हैं, ठीक है, हंस बोल लेते हैं। तो एम्बीवर्ट क्या हो जाएगा? बोथ, यानी कि अब बैलेंस, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जिसमें बैलेंस हो, इंट्रोवर्ट भी हो और एक्स्ट्रोवर्ट हो, उसका एक बैलेंस हो उसमें, ठीक है, कब ज़्यादा बोलना है तो वो उस हिसाब से अपने आप को बैलेंस कर लेता है, कब कम बोलना है। तो एम्बीवर्ट पर्सन क्या हो जाएगा? मिक्सचर, ऐसा व्यक्ति जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों के बीच एक बैलेंस हो, ठीक है। तो एम्बीवर्ट क्या बताया मैंने? एम्बीवर्ट मतलब कि बैलेंस ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट, ठीक है, बैलेंस होना, बैलेंस ऑफ एक्सट्रोवर्ट और एंड इंट्रोवर्ट, ना ही तो वो एक्सट्रोवर्ट है ना ही इंट्रोवर्ट है, अब बैलेंस है वो, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया ना बैलेंस ऑफ। क्या क्या देखा हमने अभी तक?
इसे बाद में रिवाइज करेंगे, पहले इसमें देखते हैं हम। एम्बी मतलब कि बोथ और अराउंड, तो सबसे पहला वर्ड एम्बियंट है, एम्बियंट वातावरण, मूविंग अराउंड जिससे एम्बियंस वर्ड बना है ये, ठीक है। दूसरा क्या हम देख सकते हैं, एम्बिगस, एम्बिगस हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, ठीक है, एम्बिगस, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, एम्बिडेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस से आपको याद रखना है कि जब दोनों हाथों का यूज स्किलफुली कर सकें, ठीक है, ये हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप याद रखिएगा थ्री इडियट्स में जो बोमन ईरानी का कैरेक्टर था। नेक्स्ट देखिए एम्बीवेलेंट, ठीक है, एम्बीवेलेंट हैविंग ऑपोजिंग फीलिंग एट द सेम टाइम, एक ही समय पर दो अलग अलग फीलिंग, ठीक है। कैसे याद रखोगे, एम्बी से आप समझ गए कि ऑपोजिंग बोथ, ठीक है, ये ऐसा, तो ऑपोजिंग फीलिंग, इसमें वेलेंट में क्या हो जाता है, ऑपोजिट आ जाता है, ऑपोजिट फीलिंग, ठीक है, एक ही समय पर। एम्बीवर्ट मतलब कि बैलेंस बिटवीन एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट, ये तो ईजी है, वर्ट लगा है, ठीक है, तो एंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बीच का बैलेंस होना, ये हो जाता है एम्बीवर्ट। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है, ए एम ओ एम ओ या एम ई, ठीक है, एम ओ या एम ई, दोनों में क्या है, दोनों का बेसिक मीनिंग क्या होता है, टू लव, ठीक है, टू लव, ठीक है। आपने वर्ड भी सुना होगा, एक स्पेनिश वर्ड है टी आमो, है ना, टी एमो जो हम बोलते हैं, तो इसका मीनिंग होता है टू लव। और एम ई मतलब भी क्या होता है, फ्रेंडली, ठीक है, फ्रेंडली होना। तो अब इससे जो वर्ड बनेंगे वो भी इसी से रिलेटेड होंगे, ठीक है ना, या तो ए एम ओ या तो ए एम आई, ठीक है, इसी से रिलेटेड होंगे। ये क्या था, एम बी था, ये ध्यान रखिएगा, इसमें ए एम आई है, एम ई मतलब कि फ्रेंडली, और उसमें एम बी था यानी कि बोथ या अराउंड, ओके। तो चलिए पहला वर्ड इसमें क्या है, पहला वर्ड है इसमें एमिटी। अब एमिटी मतलब क्या होता है, सिंपल फ्रेंडशिप, ठीक है, एमी मैंने बताया फ्रेंडली, तो एमिटी क्या हो जाएगी, फ्रेंडशिप, ठीक है, द बॉन्ड, ठीक है, फ्रेंडली रिलेशन, फ्रेंडशिप, ठीक है, किसी के साथ फ्रेंडली रिलेशन होना, ठीक है, फ्रेंडशिप होना, वो चीज़ क्या हो जाता है, एमिटी, क्योंकि एमी मतलब ये है कि या तो लव या तो फ्रेंडली, ठीक है, तो एमिटी क्या हो जाएगी, सीधा सीधा फ्रेंडशिप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड हम देखें, फ्रेंडली रिलेशन या फ्रेंडशिप होना, ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एमिएबल। अब देखिए एमिएबल, हाँ, इसका मीनिंग मैंने क्या बताया, फ्रेंडली, ठीक है, तो एमी तो हो गया, अब एबल, ठीक है, कोई भी वर्ड में एबल लग जाता है, कम्युनिकेबल जैसा हम ये बोलते हैं, एबल मतलब वैसा होना, ठीक है, तो एमी मतलब फ्रेंडली, तो एमी एबल मतलब जो व्यक्ति ऐसा हो, है ना, जो व्यक्ति फ्रेंडली हो, जिसका नेचर बहुत अच्छा हो, हम बोलते हैं ना बहुत ही पॉजिटिव नेचर का है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, बहुत ही प्यारा है, स्वीट नेचर का है, तो वही व्यक्ति क्या हो जाएगा, एमी एबल, ठीक, एमी से आपने समझ लिया फ्रेंडली, अब एबल लग गया मतलब एमी एबल मतलब वही वो व्यक्ति जो ऐसा हो, जो कैसा हो, फ्रेंडली हो, आपको फ्रेंडली फील करा है, उसका नेचर अच्छा हो, ठीक है। तो एमिएबल क्या होता है, फ्रेंडली, प्लेजेंट हो, स्वीट हो, ठीक है, जो प्लेजेंट हो, स्वीट हो, गुड नेचर्ड हो, वही व्यक्ति क्या हो जाएगा, एमिएबल, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एमिकेबल, ठीक है, देखिए कितना अंतर है, सिर्फ सी का यहाँ पे अंतर है। एमिएबल जो प्यारा हो, ठीक है, जो प्लेजेंट हो, जो स्वीट हो, ठीक है, गुड नेचर, अच्छे नेचर का हो। अब एमिकेबल क्या हो जाएगा, तो एमिकेबल मतलब कि द डिज़ायर टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, मतलब कि इसे होना है वो डिज़ायर, वो चाह कि कुछ भी लड़ाई झगड़ा ना हो, ठीक है, शांति के साथ, पीसफुल मैनर के साथ कोई भी चीज़ें हो, ठीक है, तो एमिकेबल क्या हो जाएगा, द डिज़ायर टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट और द डिज़ायर टू सेटल इन अ पीसफुल मैनर, ठीक है, डिज़ायर टू सेटल इन अ पीसफुल मैनर, क्यों, क्योंकि उसे तो फ्रेंडली से रिलेटेड होना है, ठीक है, एमिकेबल, एमी से रिलेटेड होना है, मतलब फ्रेंडली तरीके से हो जाए, ठीक है, तो कोई भी चीज़, कोई भी सेटलमेंट एक फ्रेंडली तरीके से हो जाए, ठीक है, पीसफुल तरीके से हो, फ्रेंडली तरीके से हो, तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, एमिकेबल। और जो पर्सन हो, जो प्लेजेंट हो, स्वीट हो, खुद, वो हो जाता है एमिएबल, ठीक। और एमिकेबल मतलब कि कोई एक डिज़ायर की कोई भी चीज़ शांति से सुलझ जाए, जो हम बोलते हैं, ठीक है, वो है एमिकेबल। चलिए तो नेक्स्ट क्या है, एमेटर, एमेटर बोलते हैं, एमेचर बोलते हैं, ठीक है, यूएस और यूके इंग्लिश में दोनों में, एक में एमेटर बोलते हैं और एक में एमेचर बोलते हैं, ठीक है, यानी कि कोई चीज़ जब आप शौकिया तौर पर करते हो, ठीक है, आप उसमें स्किलफुल नहीं हो, आप उसमें प्रोफेशनल नहीं हो, तो ये प्रोफेशनल का ऑपोजिट होता है, ठीक है, एंटोनिम होता है प्रोफेशनल का। प्रोफेशनल मतलब आप किसी कार्य को करने में, कोई भी आपके पास स्किल है, ठीक है, आप प्रोफेशनल हो उस चीज़ में, लेकिन ये जस्ट ऑपोजिट है। एमेटर मतलब कि आप उसमें प्रोफेशनल नहीं हो, आप उसे पैसे के तौर, पैसे के लिए नहीं करते हो, आप कोई कार्य को अपने शौक के तौर पर करते हो, आप उसमें प्रोफेशनल नहीं हो, स्किलफुल नहीं हो, लेकिन आपको वो काम करने का शौक है, ठीक है,
जैसे कि कोई शौकिया तौर पर पेंटर होता है, ठीक है, कोई शौकिया तौर पर पेंटिंग करता है, कोई कुछ स्पोर्ट्स खेलता है ना, तो उसे हम बोलते हैं अमेचर, ठीक है। चलिए, तो अमेचर मतलब क्या हो जाएगा, अमेचर बोलिए या अमेटर बोलिए, ठीक है, दोनों सही है, क्योंकि एक यूके इंग्लिश होती है, एक यूएस इंग्लिश होती है, ठीक है। तो चलिए, अमेचर मतलब क्या हो जाएगा, डू समथिंग फॉर प्लेजर, डू समथिंग फॉर प्लेजर, फॉर इंजॉयमेंट, फॉर प्लेजर, ठीक है, उस काम के लिए करना कोई चीज़ को, नॉट प्रोफेशनल, ठीक है। डू समथिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट फॉर मनी एज अ जॉब, डू समथिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट मनी, ये तो आप समझ सकते हो, है ना। चलिए लिख देती हूँ, एंड नॉट मनी, है ना, फॉर अ जॉब, एज अ जॉब, एक जॉब के तौर पर नहीं करते आप उसे, ठीक है, आप अपने इंजॉयमेंट के लिए, अपने प्लेजर के लिए कोई काम को करते हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, एमोरस, एमोरस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव और डिज़ायर, एग्जैक्टली एमओ यहाँ पे रिपीट हुआ है, देखिए अभी तक हमने ए एम आई वाले वर्ड दिखे हैं, अब हम क्या देख रहे हैं, ए एम ओ, लव, ठीक है, एमओ मतलब लव, तो एमोरस मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव और डिज़ायर, बस यही है इसका मतलब, ठीक, इसी की स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव और डिज़ायर, लव एंड डिज़ायर, ठीक है, उसकी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ये हो जाएगा एमोरस। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं रूट वर्ड की ओर, जो कि है बी ई एन ई, बेने, जिसका अर्थ वाला वर्ड, ठीक है, जिसका अर्थ क्या होगा, कहीं ना कहीं वो रिलेटेड होगा गुड या वेल से, ठीक है। तो पहला है बेने, अच्छा चलिए पहले हम देख लेते हैं बेनिफिशियल, बेनिफिशियल तो सबने सुना होगा, बहुत कॉमन वर्ड है, बेनिफिशियल मतलब कि लाभदायक, ठीक है, जिसका कोई यूजफुल इफेक्ट हो आप पे, तो बेनिफिशियल पहले मैं लिख देती हूँ, यूजफुल इफेक्ट होना, है ना, जो आपके लिए क्या हो, लाभदायक हो, बोलते हैं ना ये चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है, यानी कि लाभदायक हो, ठीक। तो चलिए उसके बाद हम देखते हैं बेनिफैक्टर, बेनिफैक्टर यानी कि वो व्यक्ति, ठीक है, ऐसा आदमी जो सामाजिक तौर पर हेल्प करे लोगों की, किसके संदर्भ में, किसके संदर्भ में, पैसों से रिलेटेड, ठीक है, यानी कि जो पैसे वाले व्यक्ति हो और वो दूसरे व्यक्ति, गरीबों की या जो नीडी पर्सन है उनकी मदद करता हो, ठीक है, उसे हु हेल्प्स, हु हेल्प्स अदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, अदर पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन की मदद करते हैं, और बेसिकली किस संदर्भ में, पैसे देने में, ठीक है, दानी या उपकारी, ठीक। बेनिफिशियल हमने देख लिया कि जिसका एक यूजफुल इफेक्ट हो, ठीक। अब बेनेवेलेंट क्या होता है, ठीक है, बेनेवेलेंट क्या होता, अच्छा बेनेडिक्शन बचा है क्या, हाँ, प्रेयर, asking for divine blessing, asking for blessing, ठीक है, ये भी एक अच्छी बात है, ठीक है ना, ठीक है, जो हम बोलते हैं किसी के लिए उसे bless करने के लिए, वो क्या चीज़ हो जाता है, benediction, ठीक है। उसके बाद क्या है, benevolent, किसी को sympathy दिखाना, ठीक है, किसी की मदद करना, किसी को सिंपैथी दिखाना, मतलब उसके अच्छे के लिए विश करना, उसके अच्छे के लिए कुछ कार्य करना, ठीक है। तो बेनेवोलेंट क्या हो जाएगा, शोइंग सिंपैथी, ठीक है, एक्ट ऑफ काइंडनेस, ठीक है, द एक्ट ऑफ काइंडनेस, एक्ट ऑफ काइंडनेस, शोइंग सिंपैथी, ये सब क्या हो जाएगा, बेनेवोलेंट, ठीक है। अब देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, पी एच आई एल, फिल, जिसका मतलब क्या होता है, टू लव, अगेन जैसे कि ए एम ओ, ठीक है, ये हमने ए एम ई देखा, उसी तरीके से पी एच आई एल मतलब क्या होता है, टू लव, ठीक है। अब फिलोसफी हमने सबसे नहीं सुना होगा, फिलोसफी, ठीक है, लव फॉर विजडम, ठीक है, फिलोसफी का जनरल अर्थ होता है लव फॉर विजडम, और क्या होता है, ये एक एकेडमिक भी है, हमने देखा है फिलोसफी क्या है, एक एकेडमिक सब्जेक्ट के रूप में हम पढ़ते हैं इसे, जिसमें हम क्या देखते हैं, लाइफ, डाउट लाइफ के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में पढ़ना, ये सब चीज़ें किस में आ जाती है, फिलोसफी में, ठीक है। तो फिलोसफी क्या हो गया, स्टडी ऑफ आइडियाज, स्टडी ऑफ आइडियाज किसका, एग्जिस्टेंस, लाइफ, ठीक है, स्टडी ऑफ आइडियाज ऑफ लाइफ, एग्जिस्टेंस, इन सब की, ठीक है, इन सब का किस में आ जाएगा, स्टडी, फिलोसफी में, ठीक है। तो स्टडी ऑफ आइडियाज अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है, मीनिंग ऑफ लाइफ, मीनिंग ऑफ एग्जिस्टेंस, ये सब किस में आ जाता है, फिलोसफी। अब फिलानथ्रोपिस्ट, फिलानथ्रोपिस्ट क्या होता है, देखिए फिल इसमें भी आया, मतलब कि टू लव, ठीक है। अब ये क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था
ऐसा व्यक्ति, ठीक है, ऐसा व्यक्ति बेनिफैक्टर किसे कहते हैं, जो दूसरों की मदद करता है, स्पेशली किस चीज़ में, किसी को फाइनेंशियल एड देने में, ठीक है। तो फिलैंथ्रोपिस्ट भी क्या होते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट भी मतलब कि वो व्यक्ति जो परोपकारी हो, उदारी हो, जो दान देता हो, ठीक है, डोनेट करता हो बहुत। तो फिलैंथ्रोपिस्ट इसका, जो मैंने आपको बताया था कि इसका लिस्ट भी निकलता है, ठीक है, कि टॉप 10 वर्ल्ड में कौन है, इंडिया के टॉप 10 फिलैंथ्रोपिस्ट कौन है। तो फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब कि होता है जो व्यक्ति दान करे, ठीक है, दान करे इन द सेंस जो दूसरे लोगों को या ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियली हेल्प करे। तो अगर मैं बोलूँ इसका सिनोनिम बेनिफैक्टर है, तो हाँ इसका सिनोनिम है, ठीक है। तो दोनों बोथ क्या, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है, ठीक है। तो जो हेल्प करता है दूसरे भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन को, उसे हम क्या कहते हैं, मेन क्या मदद करता है, फाइनेंशियली एड प्रोवाइड करता है, ठीक। तो ऐसा व्यक्ति जो खुद अमीर हो, ठीक है, खुद अमीर हो और फिर वो दूसरों की मदद करता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, ठीक है, नीता अंबानी का या नाडर का, या तो फिर कितने सारे ना, रतन टाटा हैं, कितने सारे अजीम प्रेम जी हैं, वो सब क्या है, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। तो फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब कि रिच पर्सन, ठीक है, रिच पर्सन जिन्हें किस चीज़ से प्यार है, ठीक है, लव, ठीक है, किस चीज़ से प्यार है, रिच पर्सन हु लव्स, ठीक है, हु लव्स टू हेल्प अदर्स स्पेशली इन फाइनेंशियल एड, ओके, हु हेल्प्स द पुअर, ठीक है, हु लव्स टू हेल्प द पुअर, रिच पर्सन हु लव्स टू हेल्प द पुअर। चलिए बिब्लियो फाइल क्या हो जाएगा, बिब्लियो, या देखिए फाइल मतलब हमने देख लिया टू लव, ठीक है, अब बिब्लियो मतलब बुक से रिलेटेड होगा, देखा होगा अपने स्कूल में, जब भी अपने प्रोजेक्ट बनाया होगा तो बिब्लियो फाइल ये वर्ड सुना होगा आपने, ठीक है। तो वन, ऐसा व्यक्ति जिसे बुक कलेक्ट करना और पढ़ना अच्छा लगता है, वो होता है बिब्लियो फाइल, ठीक है। वन हु लव्स टू कलेक्ट बुक, लव्स टू कलेक्ट बुक, बुक कलेक्ट करना और पढ़ना, ठीक है, एंड रीड, उसे हम क्या कहते हैं, बिब्लियोफाइल, ठीक है। वन हु कलेक्ट्स और हैज अ ग्रेट लव फॉर बुक्स, ठीक है। फिलोथिज्म, अच्छा देखिए एक वर्ड है फिलोथिज्म, फिलोथिज्म इसका मतलब लव फॉर गॉड, ठीक है, लव फॉर गॉड, किसके लिए प्यार, भगवान के लिए, ठीक है, लव फॉर गॉड। ये जो एक रूट वर्ड है, ये भी एक्चुअली एक रूट वर्ड है, ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जब भी अगली क्लास होगी। ये भी एक रूट वर्ड है एक्चुअली, इससे भी कई सारे और वर्ड्स बनते हैं, बट ये जब मिला है फिलोथिज्म, तो ये क्या हो गया, लव फॉर गॉड, ठीक है, भगवान के लिए प्यार होना, ठीक है। और अगर किसी को पोएट्री या आर्ट में, हम बोलते हैं ना उसे जो पोएट्री कविता कहने में या आर्ट जो होता है उससे रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति है जिसे उससे प्यार हो, तो उसे क्या कहते हैं, फिलोम्यूज, ठीक है, फिलोम्यूज, अ पर्सन हु हैज लव फॉर पोएट्री और आर्ट, ठीक है, लव फॉर पोएट्री या आर्ट, ये हो जाएगा फिलोम्यूज, ठीक है। तो चलिए ये हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है, जिसमें हमने कौन कौन से वर्ड देख लिए, विगर यानी कि स्ट्रेंथ, एनर्जी, फिजिकली भी और मेंटली भी होना, ठीक है। वेंडल जो कि वेल डन का पोजिट हो जाएगा, क्योंकि आर्ट वाले वर्क को वो क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। डिसकॉन्सर्ट यानी कि कॉन्फिडेंस में कमी होना, ठीक है, एम्बेरस फील करना, डिसकम्फर्ट फील करना, डिसमे, डिस्ट्रेस, ठीक है। उसके बाद आता है डिलापिडेटेड, जो मैंने डेटेड से याद कराया था कि पुरानी हो गई है, जर्जर हो गई है, यानी कि ब्रोकन डाउन और डैमेज्ड। डिसडेन, ठीक है, फीलिंग दैट समथिंग इज नॉट गुड एनफ टू बी रिस्पेक्टेड, ठीक है। डिडैक्टिक मैंने क्या बताया था, एक्टिव, एक्टिव ना होना, यानी खुद से कोई चीज़ को हम करके ना देखें, कोई चीज़ जो बोल रहा है सिर्फ उसे हमें सुनना है। तो डिजाइन और इंटेंट टू टीच, ओके। रीसीट क्या हो जाएगा, पीछे हटना, प्रोसीट का अपोजिट सब समझ लीजिए, रीसीट टू मूव अवे बैकवर्ड, ओझिल हो जाना फिर, ठीक है। एक्सटेसी मतलब फीलिंग और स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, ठीक है। एब्रोगेट क्या हो जाएगा, रिपील, कैंसल, रिजेक्ट, ये सब क्या है, एब्रोगेट का ही सिनोनिम है। रूट वर्ड में हमने देख लिया एम्बी, एम्बी मतलब या तो बोथ या तो अराउंड, तो एम्बिएंट देख लिया, मूविंग अराउंड। एम्बिगस मतलब कि जिसकी एक से ज्यादा पॉसिबल मीनिंग्स हो। एम्बिडेक्स्ट्रस दोनों हाथ का स्किलफुली यूज कर सके, ठीक है। एम्बीवेलेंट क्या हो जाएगा, एक ही समय पर दो ऑपोजिट फीलिंग होना, ठीक है, ये होता है एम्बीवेलेंट। एम्बीवर्ट क्या हो जाएगा, अ बैलेंस ऑफ एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट,
ये हो गया। अब ए एम ओ या ए एम आई, इसका मीनिंग होता है लव या फ्रेंडली। तो अगर डायरेक्ट डायरेक्ट एम ई टी दिया है यानी फ्रेंडशिप हो गई, ठीक है, फ्रेंडली है तो एम ई टी दिया है तो मतलब फ्रेंडशिप हो गई। एमिएबल मतलब जो फ्रेंडली पर्सन हो, ऐसा पर्सन जो खुद क्या हो, प्लेजेंट हो, फ्रेंडली हो, स्वीट हो, ठीक है, अच्छे नेचर का हो, वो एमिएबल हो जाएगा। एमिकेबल मतलब क्या हो जाएगा, आपके पास वो चाह है कि कोई चीज़ पीसफुली तरीके से सेटल डाउन हो जाए, ठीक है, तो डिजायर टू सेटल इन अ पीसफुल मैनर, ठीक है। अ मैटर ये क्या होता है, डू समथिंग फॉर प्लेजर, जो कि आप अपने प्लेजर के लिए, ठीक है, आप जिस चीज़ को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उस चीज़ को करना बिना देखे कि आपको उसमें, आप उसमें जॉब कर रहे हो, आपको उसको पैसे नहीं मिल रहे, आप उस जॉब नहीं कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ शौकिया तौर पर आप उससे प्यार करते हो इसलिए वो चीज़ को कर रहे हो, ठीक है। एमोरस यानी कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लव एंड डिजायर, ठीक है, लव और डिजायर की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना एमोरस है, ठीक है। नाउ बेने, इसका मतलब गुड या वेल होता है, तो अगर बेनिफैक्टर आ जाएगा तो वन हु हेल्प्स अदर ऑर्गेनाइजेशन या पीपल, और अगर उसी से उसी के जैसा है सिनोनिम फिलानथ्रोपिस्ट, मतलब कि कोई भी रिच पर्सन जो पुअर पीपल की मदद करे, ठीक है। बेनिफिशियल यूजफुल है आपके लिए। बेनेडिक्शन क्या हो जाएगा, मंत्र जो हम जैसे कि लास्ट में किसी को हम क्या बोलते हैं उसे, आशीर्वाद देते हैं, ठीक है, जो अच्छा बोलते हैं हम उसके लिए, तो वो डिवाइन ब्लेसिंग, प्रेयर आस्किंग फॉर डिवाइन ब्लेसिंग, ठीक है। उसके बाद बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट क्या हो जाएगा, एक्ट ऑफ काइंडनेस शोइंग सिंपैथी, ठीक है। बेनेवोलेंट मतलब ही एक्ट ऑफ काइंडनेस या शोइंग सिंपैथी किसी के लिए, ठीक है। ये किससे रिलेटेड है, गुड या वेल से ही सब चीज़ रिलेटेड है, आप ध्यान दे सकते हैं। पी एच आई एल क्या हो गया, टू लव, फिलोसफी लव ऑफ विजडम होता है, यानी कि स्टडी ऑफ आइडियाज ऑफ लाइफ एग्जिस्टेंस, ठीक है, इसकी स्टडी करना, ये फिलोसफी है। फिलैंथ्रोपिस्ट क्या हो जाएगा, रिच पर्सन हु लव्स टू हेल्प द पुअर। बिब्लियोफाइल जो बुक कलेक्ट करना और जिसे बुक पढ़ना अच्छा लगता हो, ठीक है। फिलोथिज्म लव फॉर गॉड, ठीक है, भगवान के लिए प्यार, ठीक है। फिलोमियोस लव फॉर पोएट्री और आर्ट, ठीक। आई होप कि आपको एक क्लास याद हुई हो जो मैंने पढ़ाया है, समझ आई हो। कोई भी फीडबैक देना हो प्लीज़ कमेंट करें, कुछ भी और आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए या कुछ अच्छा लगे तो वो मुझे सजेशन दीजिए, उसका फीडबैक दीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।